Welcome to the next lecture. In the series of 8 lectures, we are discussing the structure of the DNA. DNA के structures को हमने इससे पहले दो lectures में study किया है. Structure of DNA part 1, structure of DNA part 2. Next, structure of DNA part 3 हम study कर रहे हैं. Structure of DNA में हमने DNA की chemical composition study करी. After that, Watson-Crick model of DNA. Watson-Crick model of DNA, कुछ postulates हमने discuss किए हैं, और कुछ features और कुछ points अभी रहे हैं. वो ये है, जो Watson-Crick model of DNA, उसका पहला ही point था, DNA is made up of two polynucleotide strands. These two polynucleotide strands, इधर helically coiled with each others. ये दो polynucleotide strands हैं और ये एक दूसरे के helically coiled हैं. और polynucleotide strands जो हैं वो nucleotide से बने हुए हैं. और एक nucleotide तीन चीजों से बना है. That is sugar, phosphate and nitrogenous base. और जिसमें ये तीन चीजें मौजूद हैं, sugar, phosphate और nitrogenous base, that is known as nucleotide. Nucleotide में हम structure देख रहे हैं, जो दो sugars को जोड़ने वाला bond है, that bond is known as phosphodiester bond. Phosphodiester bond दो sugars के बीच में exist करता है. इसका नाम phosphodiester bond इसलिए है, इसमें phosphate है और दो ester bond बने हुए हैं, इसलिए हम इसको phosphodiester bond कहते हैं. दूसरी चीज, ये bond किस carbon और किस carbon के बीच में exist करता है. ये एक sugar है, इसका carbon number 3, दूसरा sugar है, इसका carbon number 5. carbon number 3 and carbon number 5 के बीच में ये bond exist करता है. और इसीलिए हमने इस चेन के एंड पे, यहां आप देख सकते हैं 3 डैश है और इसी के नेक्स्ट एंड पे 5 डैश है. इसका मतलब यह है कि अगर ये चेन यहां से शुरू होती है, 5 कार्बन एटम इज एट द लास्ट एंड नेक्स्ट एंड पे आप 3 कार्बन एटम देख रहे हैं, दैट इज 5 डैश एंड 3 डैश. उसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेसिस इसके साथ अटैच हैं, वो किस पोजीशन पे अटैच है. नाइट्रोजनस बेस यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है, यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है. हम पहले ही पढ़ चुके हैं डीएनए के अंदर चार तरह के नाइट्रोजनस बेस होती है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन. यहां पर भी आप देख रहे हैं, इट्स एडेनिन, सो गुआनिन, देन थायमिन, एडेनिन pairs with thymine, guanine with cytosine and thymine with adenine. So nitrogenous base जो sugar के साथ attach है, वो किस तरह से attach है? और ये भी हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. Nitrogenous base are of two type, pyrimidine and purine. Pyrimidine is a single ring structure. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये purine का structure बना हुआ है. General structure of purine. This is the end. This is the general structure of the purine. Purine double ring structure hai. Pyrimidine is the single ring structure. Pyrimidine, purine, agar sugar ke saath isko attach ho jana hai, it will attach with this ninth position. Yahan jaise carbon atom of sugar lagega. Aur agar pyrimidine ko attach hona hai, to pyrimidine इसको ऐसे देख सकते हैं, this way, this 1, 2, 3, 4, 5 and 6, third position पे pyrimidine carbon के साथ attach हो जाएगा. ये carbon है, जैसे carbon number 1, 2, 3 and so on, in this way. उसके अलावा next point है, ये दो strands हैं, ये complementary each other है. इसका मतलब एक strand दूसरी strand के complementary है. It means adenine pair with thymine
यानी एडेनिन पेयर विद थाइमिन, गोनी पेयर विद साइटोसिन. एडेनिन फॉर्म द डबल बॉन्ड विद साइट थाइमिन एंड गोनी फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड. और नेक्स्ट पॉइंट, ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बता रहे हैं, ये दो स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकली कॉइल्ड हैं, और इसमें जो स्ट्रैंड है शुगर और फॉस्फेट दे विल फॉर्म बैकबोन, एंड ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये सेंटर में है. शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और ये जो इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड इनके यहाँ एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट, ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. एंटी पैरेलल मीन अगर एक स्ट्रैंड ऊपर की ओर जा रही है दूसरी स्ट्रैंड नीचे की ओर जाएगी. दैट मीन्स अगर एक स्ट्रैंड यहाँ से 3' है इसका अगला सिरा 5' होगा, और दूसरी स्ट्रैंड उसका 5' नीचे की ओर होगा और 3' ऊपर की ओर होगा. दैट मीन्स दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. उसके अलावा ये एक हेलिकल टर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न है. इस एक हेलिकल टर्न को हेलिक्स पिच कहते हैं. इस का कितना साइज है? इट इज 33.3 एंगस्ट्रॉम. और दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम. और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.3 एंगस्ट्रॉम. दिस इज ऑल अबाउट द वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए. आने वाली वीडियो द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगी. थैंक्स.